वेलकम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में क्या करने लगे हैं, अभी शाम का टाइम है तो इसके अलावा जो है ना, अभी हम उनको पालक वगैरह देंगे अपने सारे परिंदों को सॉफ्ट फूड में, क्योंकि दोपहर में थोड़ी गर्मी वगैरह भी होती है तो अभी उनको थोड़ा सॉफ्ट फूड खिला रहे हैं। बाकी इसके अलावा हमारे छत पर जो है ना, एक नया पेट आया हुआ है, वो पहले जो है घर के अंदर होता था, मगर आजकल जो है मैं उसको छत पर भी ले आता हूँ घूमने, तो वो भी थोड़ा फ्रेश फील करते हैं, तो मैं आपको उसको उससे भी मिलाऊंगा और आपका उसका नाम भी बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखें पालक है, तो अभी जो है मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। बाकी देखें मोर बोल रहा है, और अभी जो है इसको पालक को खोलते हैं, बाकी परिंदे वगैरह को डालते हैं, और जब तक जो है मैं आपको उस पेट से अपने मिला देता हूँ। ये देखें, ये है हमारी बिल्ली जिसका नाम है सोनी। अच्छा, अभी ना इसको नहलाना भी है, आज तो नहीं, दोपहर के टाइम में नहलाएंगे। ये देखें, और कबूतर जो है ना डर के इससे ही सारे ऊपर बैठे हुए, और ये अभी खेल नहीं रही, ये मस्तियों में लग गई यहाँ इनके साथ आके ना। ये देखें, तो अभी जो है हम इसको यहाँ पे घूमने देते हैं, खेले ये, जब तक जो है हम अपने परिंदों को दाना पानी वगैरह डाल देते हैं, और इसके अलावा जो सॉफ्ट फूड है हम वो भी खिला देते हैं। तो पानी जो है मैं इनका चेंज कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा गंदा हुआ हुआ है तो साफ़ पानी डाल देते हैं, बाकी पानी वगैरह मैं इनको डाल देता हूँ, और फिर इसके अलावा सॉफ्ट फूड जो रखा है इसको काट के डालते हैं इनको। तो पानी जो है भर लिया है बहुत है इतना, अभी इसको ले कर चलते हैं और जो हमें सॉफ्ट फूड डालना है वो डालते हैं, और कबूतरों को भी देखते हैं कि आज खाते हैं कि नहीं खाते ये। और ये देखिए मैना वगैरह भी काफ़ी सारी आई हुई हैं, और ये मोर जो है फिर से चीख रहा है, चलिए इसको चीखने देते हैं। बाकी ये जो है मैना, पहले इसको कोशिश करता हूँ कि ना छोटी छोटी कट जाए ना, तो शायद कबूतर भी खा लें आज। तो इसको काटते हैं छोटा छोटा, दीदार के देखता हूँ कबूतरों को। आओ 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 आओ, ये देखें खा रहे हैं कबूतर। तो चलें इनको खाने देते हैं, बाकी जो है इसको मैं काट लेता हूँ, एक हाथ से ना काटना प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा। चलें मैं इसको ऐसे ही निकाल लेता हूँ बगैर काटे। तो ये निकाल लिए, ये भी हम डालते हैं परिंदों को। अच्छा, इनको तो अभी कम कम ही डालूंगा मैं। अच्छा, इसके जो बच्चे थे ना, मैंने आपको वो भी दिखाने थे, वो माशाल्लाह से बाहर आ गए हैं बच्चे ना, एक पेयर के तो, और इस वाले पेयर के तो अंदर ही हैं। देखें माशाल्लाह इसके बाहर आए हैं, दो वो पीछे बैठे हैं, एक ये देखें सामने बैठा है, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत बच्चे निकाले। और ये जो है अभी हम इनको डाल देते हैं, बस थोड़ी थोड़ी डालेंगे ताकि ना फिर ये ज़ाया करते हैं अगर इनको ज़्यादा दो ना, इनके लिए यहाँ पे रख देते हैं थोड़ी सी, बाकी थोड़ी सी इनको भी डाल देते हैं। ऐसे इनको ना मोटी डंडी वाली भी डालनी है, ये फिर इसमें से जो है ना, ये डंडी होती है ना, इसके अंदर से भी ये जूस पीते हैं बहुत है इतनी। बाकी पानी वगैरह जो है वो भी मैं इनको डाल देता हूँ, और ये देखें ये यहाँ पे रस्सी के साथ खेल लिए, पहले इसको खेलने देते हैं, बाकी पानी डाल देते हैं, उसके बाद जो है अंदर जो फिशर हैं उनको भी जाके हम डालते हैं सॉफ्ट फूड जो है, और उनको पानी वगैरह भी डालना है, बाजरा भी डालना है, तो उनका भी सारा जो है हम कर देंगे अंदर खाना वगैरह ना। तो मैं जब तक इनको पानी वगैरह डाल देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे बाजरा उगाए हुए, ये मुर्गियों को खिलाने के लिए उगाए, और ये देखें यहाँ पर भी कुछ उगाया हुआ है बाजरा वगैरह, बाकी ये गमले सब में बाजरा उगाया हुआ है। तो जो है हम मुर्गियों को ये खिलाते हैं, तो इससे ये होता है इनको बिल्कुल नेचुरल फूड मिलता है। तो चाहे मैं इनको पानी डाल लूँ, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो पानी वगैरह देखें मैंने इनको डाल लिए, बाकी ये देखें ये माशाल्लाह से बच्चा भी नीचे आ गया, एक जो बड़ा वाला है खाने के लिए, और इसमें थोड़ा कम पानी बचा है तो मैं थोड़ा सा और भर लेता हूँ, बाकी जो है फिर और जो है ना एक ये हम बर्तन ले लेते हैं, इसके अंदर ना मैं बाजरा डाल देता हूँ के लिए, तो फिर वो अंदर ले जा कर इनको डाल दूँगा मैं।
फिर उसके बाद जो है, और पालक तो हमारी जो फिशर की है वो सामने वो पड़ी हुई है वहाँ पे। तो पहले मैं पानी और बाजरा भर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम अंदर जाते हैं। बाकी ये देखें ये कैसे जो है बिल्ली जो है ये कबूतर को देख रही है, इसको मैं पीछे से ना ये देखें, ये देखें कबूतर ना इसकी वैसे सारे डर के ऊपर आए हैं। और ये देखें अभी अंदर उड़ रहा है ना, और ये यहाँ पे जो है ना मैं इसको बंद कर देता हूँ, ऐसा ना हो यहाँ से अंदर चली जाए। ये वैसे ना पता है क्या, खाली ना इनको पकड़ने की करती है, मगर इनको पकड़ती नहीं है। अगर इसके पास भी हो ना पकड़ेगी नहीं, बस उसके पास चली जाएगी और खेलेगी, खाने वो नहीं है मतलब जो हमला करती है ना। तो चलें बाकी जो है अभी हम दाना पानी मैं इसमें डाल लेता हूँ। अच्छा पहले जो है ना मैं एक काम और कर लेता हूँ, वो ये है कि थोड़ी सी जो पालक है ना, ये जो मुर्गियाँ हैं ना हमारी, ये मुँह देख रही हैं, तो इनको भी हम डाल देते हैं। यहाँ से डाल देता हूँ, देखेंगे ये अंदर। बाकी अब मैं वो भर लेता हूँ, उसके बाद डालता हूँ। और इसको पता नहीं आज क्या हुआ है, बार बार चीख ही जा रहा है। चलें फिर हम डालते हैं दाना पानी फिशर के लिए। ये देखें फिशर के लिए मैंने बाजरा डाल दिया, पानी डाल लिया है। यहाँ से इनका जो ये सॉफ्ट फूड है पालक है लेके जाता हूँ, फिर मैं अंदर आके वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। और अंदर जो है ना मैंने एक सेटअप बनाया है पिजिन का भी, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, तो मैं अंदर आके फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो भाई ये देखें यहाँ पे हम अंदर आ गए हैं। बाकी जो है ना मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें यहाँ पे आपको नीचे कबूतर दिख रहे होंगे, मैंने इनके नीचे देखें कुंडा रखा है, और ये इसके अंदर नेस्टिंग वगैरह भी इन्होंने स्टार्ट कर दी है। अच्छा इसकी वजह ये है, ये ना पेड़ हर वक्त यहीं घुसा रहता था, तो मैंने कहा इसके लिए यहीं पर मैं कुंडा रख देता हूँ, तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा इसको अंडे बच्चे के लिए जगह मिलेगी। तो ये इनके लिए दाना वगैरह यहाँ पर मैंने डाला हुआ है, और यहाँ पे पानी भी डाला है, इनको थोड़ा पानी और डाल देता हूँ मैं। बाकी ये है कि यहीं पे घूमता रहता है, बाहर भीतर नहीं आता ये ना, इसको बस ये जगह पता नहीं क्यों उसकी ज़्यादा पसंद है, ये तो पहले यहाँ पे होते थे ना इसलिए पसंद है। तो चलें खैर अभी तो हम अपने फिशर को खाना वगैरह डाल देते हैं, उसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, और पहले पालक डाल देता हूँ यहाँ पे डाल दी ऐसे। देखिए बाकी ये दाना जो है ये डाल देते हैं जो हम लाए हैं, ये आ गया फिशर का दाना, और ये रख देते हैं। अच्छा पानी जो है ये तो साफ है, बस थोड़ा अंदर कचरा वगैरह है, तो चेंज में कर देता हूँ फिर भी। ये पानी यहाँ पे रख देता हूँ ऐसे। बाकी कल मैंने इनको डाला था मिक्स फीड जो है, अभी देखिए थोड़ा थोड़ा इसमें मकई वगैरह है। और यहाँ पे देखें इन्होंने जो है ना ये जो डंडी है इनकी ये गिराई हुई है, तो इसको भी अब लगाना है। ये देखें ये यहाँ पे पूरी गिराई हुई है ना, इसको भी कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। अभी तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, गुस्सा हो रहे हैं ये ना। ये देखें ये बच्चा है ब्लैक वाला जो है ना, ये घर में हमारे निकले हैं माशाल्लाह। अभी बंद कर देते हैं, बाद में फिर इनकी डंडी पक्की कर दूंगा, अभी जो है गुस्सा हो रहे हैं थोड़ा ना। अब मुझे पता नहीं वजह कि क्यों इतना ज़्यादा आज गुस्सा हो रहे हैं ये। एक तो ये लॉक भी बार बार गिर रहा है, लग ही नहीं रहा, इसको मैं लगाता हूँ ये ऐसे। बाकी सामान वगैरह हम फाड़ ले जाते हैं और चलते हैं। ये देखें मुर्गियाँ हमारी यहाँ घूम रही हैं, ये देखें। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, मुर्गियाँ जो है ना हमारी, एक मुर्गी जो है कुड़ाक हो गई है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी वाली। एक तो देखें तीन पट्टे यहाँ पे घूम रहे हैं, सही है। एक मिनट मैं इसको ना पहले यहाँ रख दूँगा। अच्छा यहाँ पे अंदर बैठी है मुर्गी ना, वो जो कुड़ा कोई भी है, ये देखें यहाँ पे है अंदर, ये देखें ये देखें ये मुर्गी जो है कुड़ा हो गई है। अच्छा इसके नीचे जो है ना दो तीन इसके अपने ही अंडे, बाकी ये है कि मुर्गा नहीं है ना, तो ये इसके अंडे फर्टाइल नहीं है, तो इसके लिए हमने ऑस्ट्रोलोप के अंडे मैंने किसी से लिए थे, और वो मैंने इंक्यूबेटर के अंदर रखे थे, तो फिर ना उनमें बच्चे निकलेंगे ना, तो फिर हम बच्चे इसके साथ छोड़ देंगे जब तक जो है हम इसको यहाँ पे बैठे रहने दे रहे अंडों के ना। बाकी देखें ये पेयर भी माशाल्लाह बाहर आ गया है, और इसने भी नेस्टिंग स्टार्ट कर दी, और जो दूसरे हमारे पेयर थे उन्होंने भी नेस्टिंग स्टार्ट कर दी है कि देखें यहाँ आया हुआ कबूतर। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।